नमस्कार, मैं प्रिया धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। चीन एक तरफ सीमा पर तनाव कम करने के लिए वार्ता कर रही है, वहीं गुपचुप तरीके से सीमा पर नापाक हरकतें भी करता जा रहा है। ताजा खबर ये है कि चीन की सेना ने सीमा पर पक्के निर्माण कर लिए हैं। सैनिकों के कहने के लिए यह मकान बनाए गए हैं। चीन ने पूर्वी लद्दाख के करीब 8 स्थानों पर अपने सैनिकों के लिए मॉड्यूलर कंटेनर आधारित आवास का निर्माण कर लिया है। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 अक्टूबर को पटना आ रहे हैं। वो दो दिन राज्य में रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इसको लेकर तैयारियां आज से ही शुरू कर दी हैं। आज किसानों का भारत बंद देखने को मिला। भारत बंद को लेकर दिल्ली से सटी सीमा पंजाब बिहार समेत देश के कई राज्यों में किसान प्रदर्शन करते देखे गए। भारत बंद को किसानों के अलावा कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का समर्थन भी मिला। तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाली 40 से अधिक किसान संगठनों के निकाय संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। हम प्रमुख जीतनराम मांझी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हमने राम का विरोध कहां किया, हमने तो ये कहा कि हम राम को नहीं मानते हैं, हम तो बस प्रकृति को मानते हैं, भगवान है इसमें कोई शक नहीं है। रामायण में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं, जिसका हम सभी को अनुसरण करना चाहिए। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 34 साल के क्रिकेटर ने 64 टेस्ट में 195 विकेट लिए हैं और 5 शतक बनाए हैं। बेउर जेल के बाहर से जेल के अंदर आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जिसके तहत जेल के परिसर में किसी व्यक्ति ने 10 पैकेट सिगरेट और चूने का एक पैकेट फेंक दिया। परिसर में सिगरेट पैकेट को देखकर कैदियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इस बारे में जेल प्रशासन को सूचित किया गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले में जुट गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सभी पर्यटन स्थलों की जानकारी मोबाइल के ऐप पर उपलब्ध होगी, जिसे सरकार के पर्यटन विभाग में विकसित किया गया है। ऐप से पर्यटक को सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सोमवार को इस ऐप को लॉन्च किया है। पटना हाईकोर्ट ने कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण बंद होने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बताने को कहा है कि कब तक टेंडर निकालने की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। डॉक्टर आशीष कुमार सिन्हा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को ये बताने कहा है कि वेंडिंग जोन निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा, इस बात की जानकारी दे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन दिवस पर यह घोषणा की है कि दुनिया से परमाणु हथियारों का सफाया होना चाहिए, संवाद, विश्वास, शांति का एक नया युग शुरू होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि परमाणु हथियारों के खतरे को संबोधित करना संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय से ही काम का केंद्र रहा है। काबुल पर लगभग 2 दशक बाद काबिज होने वाले तालिबान ने वैश्विक समर्थन जुटाने के क्रम में दावा किया है कि इटली अफगानिस्तान में फिर से अपना दूतावास खोलेगा। ये अलग बात है कि इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी माओ ने तालिबान सरकार को मान्यता देने की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। किसानों के भारत बंद के बावजूद दिल्ली परिवहन निगम की बसों और दिल्ली मेट्रो सहित सार्वजनिक परिवहन सोमवार को सुचारू रूप से देखने को मिली। राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो ट्रेन बसों के अलावा ऑटो रिक्शा, सार्वजनिक निजी परिवहन के अन्य साधन भी सामान्य रूप से आवाजाही करते देखे गए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 26,041 नए संक्रमण मिले हैं और 276 लोगों की जान चली गई है। भारत के ताजा कोविड मामलों में ये गिरावट आई है। ये आंकड़े स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को साझा किए हैं। देश में रविवार को 28,336 ताजा कोविड मामले और 260 लोगों की जान गई थी। अगले साल यानी 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गन्ना किसानों से जुड़ा मुद्दा गरमाने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल तक करने की मांग की गई है। भारी बारिश की संभावना। रविवार देर शाम चक्रवाती तूफान गुलाब 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ गया, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर केंद्रित हो गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने मध्यरात्रि बुलेटिन में कहा है कि सिस्टम सेंटर ने शाम 7:30 से 8:30 बजे के दौरान समुद्र तट को पार किया है, जबकि पूरे तूफान केंद्र की लैंडफॉल प्रक्रिया समुद्र तट को पार कर गई है। उसके बाद कुछ घंटों तक जारी रही, जिससे कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना बन गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को विपक्ष के नेता सिद्धरमैया के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस को गुलामगिरी की पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री का बयान उनकी हताशा को दिखाता है। इससे पहले सिद्धरमैया ने भाजपा को तालिबानी करार कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने सोमवार को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक की हेल्थ आईडी
तैयार की जाएगी। पीएम मोदी ने इस क्रांतिकारी कदम इसको बताते हुए कहा है कि अब हर किसी को हेल्थ आईडी मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 28 सितंबर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को राष्ट्र के नाम समर्पित करते हुए इनकी आधारशिला रखेंगे। मंत्री 28 सितंबर यानी कि कल जेड मोर और जोजिला सुरंग की समीक्षा और निरीक्षण भी करेंगे। गुजरात विधानसभा का 2 दिवसीय मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। भूपेंद्र पटेल सरकार के शपथ ग्रहण के बाद यह विधानसभा का पहला सत्र है। हंगामेदार रहने की इसमें संभावना पहले ही जताई गई थी। सदन के पिछले अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी को भूपेंद्र पटेल सरकार में राजस्व आपदा प्रबंधन कानून न्याय विधायी संसदीय मामलों के विभागों के साथ सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए उसे जुमला पार्टी करार दिया। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि आने वाले दिनों में वो देश भर में भाजपा को हराएंगी। ममता ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने ईर्ष्या के कारण उन्हें रोम में होने वाले वैश्विक शांति सम्मेलन में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 25 रुपए गन्ना मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया है। इस नई कीमत के बाद अब 325 रुपए वाले गन्ने का मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल होगा। इसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले इनको गन्ना किसान की याद आई है, जो इनके स्वार्थ को दर्शाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से अच्छी खबर सामने आई है। पिछले 24 घंटे में यहां से कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमण की अभी तक कुल 7,618 मामले सामने आए हैं। शहनाज गिल की अपकमिंग पंजाबी फिल्म हौसला रख का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ, शहनाज गिल और सोनम बाजवा मुख्य भूमिका में हैं। ये अमरजीत सिंह सरोन द्वारा निर्देशित है और एक निर्माता के रूप में दिलजीत की ये पहली फिल्म है। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की शूटिंग कनाडा में की गई है, जो 15 अक्टूबर 2021 को दशहरा के वक्त रिलीज होने जा रही है। मोदी सरकार के मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि 2004 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को मनमोहन सिंह की जगह शरद पवार को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पवार को प्रधानमंत्री बनाने से आज कांग्रेस काफी मजबूत होता। महागठबंधन के कार्यकर्ता सोमवार को केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया। बिहार में लेफ्ट के साथ साथ महागठबंधन की पार्टियां राजद और कांग्रेस ने भी इस बंद का समर्थन किया। इसमें बिहार से जुड़े सवालों को भी महागठबंधन ने जोड़ा है। पाकिस्तान के ग्वादर में मोहम्मद अली जिन्ना की एक मूर्ति को रविवार को नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान में प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि यह शहर पाकिस्तान के साथ साथ चीन के लिए भी महत्वपूर्ण है। सोमवार को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था। एक तरफ जहां किसान सड़क पर उतरे थे, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग किसानों के साथ दिख रहे थे, तो वहीं कुछ का कहना है कि भारत बंद नहीं है बल्कि भारत खुला है। लोग अपने अपने शहरों की तस्वीर पोस्ट करने लगे। इतना ही नहीं, ट्विटर पर हैशटैग भारत खुला है ट्रेंड भी करने लगा था। महिलाओं के अधिकार लगभग खत्म करने वाले तालिबान ने अब अफगान में पुरुषों की आजादी पर भी रोक टोक लगाना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में तालिबान ने सभी सैलून में दाढ़ी शेव करने या उसे ट्रिम करने पर रोक लगा दी है। इसको लेकर तालिबान ने एक चिट्ठी भी जारी की है। चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चले घटनाक्रम ने उसकी उद्विग्नता की आग में घी डालने का काम किया है। वो कितना छटपटाया हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के संगठन क्वाड को समय के साथ खत्म हो जाने वाला करार दिया है। मध्य प्रदेश आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा कि मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि वो आंदोलन छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाए। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है। चीन एक बार फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों में अपनी नापाक साजिशों को मूर्त रूप दे रहा है। हालिया खुफिया रिपोर्ट में पता चला है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी पूर्वी लद्दाख के सामने LAC के साथ कम से कम 8 जगहों पर अपने सैनिक के लिए नए मॉड्यूलर कंटेनर शेल्टर का निर्माण कर रहा है। खैर, हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है ग्रेट मैन खान सर, चिंटू मनीष, VRDS दीपक, आलोक कुमार, राकेश यादव, महेश दास, ब्रह्मदेव पोदार,
संतलाल यादव, रघुनाथ प्रसाद, जगदेश दास, सुगेबल कराकर। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत चीन सीमा पर जारी विवाद के बीच बातचीत से रास्ता निकालने में भारत सरकार सफल हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।